ओके फातिमा, वील स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से स्टार्ट कर दो. ठीक है, आवाज आ रही ना मेरी? जी सर. ओके चलो, पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट वन पार्ट टू करो सॉल्व. प्रेस को डिस्कस करते हैं. ओके फातिमा, पार्ट वन का आंसर पता चला बेटा? फॉर्मूला 21600 आ रहा है. सो क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे पार्ट वन के लिए? हमने इज इक्वल टू पीटी. दोबारा से बताओ. इज इक्वल टू पीटी. इज इक्वल्स टू पीवी. और उसके अंदर भी आपको पी तो अलग से नहीं दिया हुआ उन्होंने. एनर्जी के लिए आपको उन्होंने क्या दिया हुआ है? करंट और वोल्टेज भी दिया हुआ है. So, इसका मतलब P जो itself है वो करंट इनटू वोल्टेज होता है, राइट? सो I I है. अस्सलाम वालेकुम. सलाम बेटा, बस क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया हमने, आप भी रेडी हो जाओ, जल्दी से क्वेश्चन रीड करो. हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहां से लास्ट क्लास से छोड़ा था. I है, V है और ये है आपका T. इन तीनों चीजों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी. ये हमने यहाँ पे पढ़ा था एक्सपेरिमेंट के अंदर कि आप वोल्ट मीटर से और एम मीटर से करंट मेजर करते हो, स्टॉपवॉच से टाइम मेजर करते हो. तो आप आई वी और टी तीनों चीजों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, राइट? तीनों चीजों को आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और आपके पास एनर्जी सप्लाइड टू द सोलर हीटर एक तरह से आ जाएगी यहाँ पे. अब आपके पास आई है 15 एम्पेयर्स, वी है 24 वोल्ट्स और टाइम सेकेंड्स में होना चाहिए. सो टाइम को 1 आवर है तो उसको आप 60 से दो दफा मल्टीप्लाई करोगे. एक दफा 60 से मल्टीप्लाई करने से टाइम कन्वर्ट हो जाएगा मिनट्स में, एक और दफा 60 से मल्टीप्लाई करोगे टाइम को सेकंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हम आप इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं. तो हमारे पास आंसर आ रहा है 129.1296 000. और इसका यूनिट क्या होना चाहिए? जूल्स, बिकॉज आपने एनर्जी फाइंड आउट किया. अब वो कह रहे हैं इन द सेम टाइम 51 केजी ऑफ कोल्ड वाटर इज पंप थ्रू द पैनल्स, द टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम 16 to 45, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200, कैलकुलेट द इंक्रीज इन थर्मल एनर्जी ऑफ वाटर. इसको भी कैलकुलेट करें. पिछले पार्ट का आंसर नहीं यूज करना बल्कि सिर्फ अगले पार्ट का ही डेटा यूज करना है. पिछले पार्ट का आंसर भी हम नहीं यूज कर रहे. इसको कैलकुलेट करो फिर मुझे आंसर बताओ. शाबाश दोनों, यू ऑलरेडी नो द फॉर्मूला.
ऑल राइट शायन बेटा, पता है ना फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? बताओ फॉर्मूला, बताओ मुझे शायन, कौन सा? सर एम सी ओ क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टेम्परेचर. गुड, एम सी डेल्टा. तो एम कितना है जल्दी से बताओ? मास है इसमें 51 केजी. सी कितना है? सी है स्पेसिफिक कैपेसिटी 4200 जूल्स. जूल्स पर केजी पर पर डिग्री सेल्सियस. और टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है? टेम्परेचर चेंज आ रहा है 29. सही है. तो 45 को 16 में से माइनस 16 माइनस 45 माइनस 16 किया 29 आ गया. ठीक है. सो इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आया. अब ऊपर वाली एनर्जी देखो और नीचे वाली एनर्जी देखो, कौन सी वैल्यू ज्यादा है? नीचे वाली एनर्जी ज्यादा है. पक्का? एक मिनट सर. चार पाँच छ सात, एक दो तीन चार पाँच छ सात. हाँ, नीचे वाली ही ज्यादा है. ठीक है. सो द टू क्वेश्चंस वर रिलेटेड. उसके आगे भी कुछ पार्ट्स थे बट वो अगले क्या कहना चाहिए, व्हाट डू यू कॉल इट, आगे बॉइलिंग वगैरह से भी रिलेटेड पार्ट था बट वो मैंने अभी यहाँ पे नहीं डाला. ठीक है. ओके, आगे चलते हैं. क्वेश्चन 22 काफी डिटेल्ड है, टेम्परेचर चेंज और एनर्जी ट्रांसफर के बारे में. तो इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं. हमने लास्ट क्लास के एंड पे भी कुछ बातें की थी. मैं थोड़ा सा रिमाइंडर दे देता हूँ ताकि आपको याद रहे. हम एक केटल में पानी को हीट कर रहे थे और इनिशियली जो है वो उसका वाटर जो था 24 डिग्री सेल्सियस पर था. इट देन वेंट अप टू 100 डिग्री सेल्सियस. लेकिन शुरू में वाटर द स्पीड द रेट ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज वॉज मोर एंड देन द टेम्परेचर वॉज इंक्रीजिंग बट स्लोली, रेट स्लो हो गया. हालांकि हीट वॉज सप्लाइड एट अ कॉन्स्टेंट रेट और इसकी रीजन हमसे पूछी थी जो हमने डिस्कस की थी. सो डू यू रिमेंबर व्हाट द रीजन वॉज? रीजन ने डिस्कस की थी कि बेटा हीट तो कॉन्स्टेंट रेट से सप्लाई हो रही है और शुरू में हीट लॉस भी जो है वो कम हो रहा है. शुरू में हीट लॉस कम है क्योंकि रूम टेम्परेचर और वाटर का टेम्परेचर सिमिलर है. बट जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, 50 होता जाएगा, 60 होता जाएगा, 80 होता जाएगा. सो एज वाटर टेम्परेचर राइजेस, राइट, इट बिकम्स मोर एंड मोर देन द सराउंडिंग रूम टेम्परेचर, देन द हीट दैट इज लॉस्ट फ्रॉम द कैटल टू द सराउंडिंग्स इज ऑल्सो ग्रेटर. सो इसलिए जो हीट आ रही है वो तो सेम रेट से आ रही है लेकिन हीट जो निकल रही है वो अब ज्यादा रेट से भी निकल रही है. तो टेम्परेचर ज्यादा जल्दी राइज नहीं करेगा. एंड इवेंचुअली वॉट हैपन्स इज के हीट लॉस भी इतना ज्यादा रेट से होने लग जाता है, इसी रेट से होने लग जाता है जिससे हीट गेन होती है. सो द टेम्परेचर स्टॉप्स बेसिकली राइजिंग इवेंचुअली. दैट कैन ऑल्सो हैपन. बट सबसे पहले जो है वो ये देखना है कि चीज बॉयल या मेल्ट तो नहीं हो रही टेम्परेचर, या फ्रीज या कंडेंस तो नहीं हो रही है, कूल या हॉट होते हीट होते वक्त. नाउ यू हैव क्वेश्चन नंबर 22 वेयर यू हैव अ सिलेंडर ऑफ ऑयल. So what you have is a measuring cylinder of oil. Carefully हर चीज को पढ़ना. वो फ्रीजर के अंदर रखा हुआ है और उसका टेम्परेचर माइनस 18 है. ठीक है. उसके बाद कह रहे हैं फ्रीजर का टेम्परेचर, उन्होंने कहा कि माइनस 18 डिग्री सेल्सियस है. किस चीज का? फ्रीजर का टेम्परेचर. यहां पर मैं इस बात को एम्फसाइज कर देता हूँ ताकि भूलो नहीं. हमारे पास दिखा रहे हैं कि इट टेक्स 700 सेकेंड्स फॉर द टेम्परेचर टू डिक्रीज फ्रॉम 20 टू 10 डिग्री सेल्सियस. ये कहाँ पे शो की हुई बात? ये जो बातें कर रहे हैं, इट टेक्स 700 सेकेंड्स. जाहिर सी बात, आप ऑयल को फ्रीजर में रखेंगे तो ऑयल कूल होना शुरू होगा. 700 सेकेंड्स लग रहे हैं ऑयल को 20 से 10 तक जाने के लिए. ये कहाँ पे शो हुई है बात? ये इधर शो हुई है. 20 से 10 तक जाने में कितना टाइम लग रहा है? 700 सेकंड्स. कहां पे? 200, 300, 600 और यहां तक. इतना टाइम लग रहा है, 700 सेकंड्स लग रहे हैं इसको टेम्परेचर को यहां से यहां तक ड्रॉप होने में. लेकिन कह रहे हैं कि 0 से माइनस 10 डिग्री का जो टेम्परेचर चेंज है, ये भी तो 10 डिग्री का ही चेंज है. जो ये वाला टेम्परेचर चेंज है 0 से लेके माइनस 10 डिग्री का, ये वाला,
ये भी तो 10 डिग्री का ही टेम्परेचर चेंज है, यहाँ पे भी टेम्परेचर 10 डिग्रीज ड्रॉप हुआ है, यहाँ भी टेम्परेचर 10 डिग्रीज ड्रॉप हुआ है, लेकिन इसको टाइम ज्यादा लगा है। इसने तकरीबन यहां से लेके यहां तक टाइम लिया है, विच इज अराउंड 1900 सेकेंड्स। ओके, तो अब वो इस बात को उन्होंने मेंशन कर दिया, कह रहे हैं व्हाई व्हाई द टाइम्स आर डिफरेंट, व्हाई द टाइम्स आर डिफरेंट। ऑलराइट, सो आई वांट यू टू राइट एन आंसर ऑन दिस। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, खुद ही इस बात का जवाब पहले सोचो आराम से सुकून से, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? सो आई विल वेट फॉर यू टू राइट डाउन योर ओन आंसर, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ऐसे ही लिखो जैसे एग्जाम में आप इसको आंसर करोगे, पॉइंट्स नहीं, प्रॉपर पैराग्राफ पैराग्राफ फॉर्म में 3 मार्क्स के लिए आंसर लिखो। शाबाश, लिख लो अपने पास, फिर जब मैं बताऊंगा तो अब चेक करना कि सही आपने लिखा या गलत लिखा, उसमें सारे पॉइंट्स आपने मेन मेन मेंशन किया है या नहीं, या कोई एक्स्ट्रा बात लिखी है तो उसको हटा दो। गॉट इट? चलो मैं वेट कर रहा हूँ। शायन बेटा, तुम भी मुझे अपना आंसर भेजोगे चैट में? लिख लिया हुआ है शायन, तुमने जी सर। लिखा है? मुझे पढ़ के बताओगे या लिख के भेजोगे? बताओ। सर पढ़ के बता देता हूँ। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द टेम्परेचर फ्रॉम 0 to -10 राइजेस हाँ हाँ बोलो, सही। पहले लिख लो फिर पढ़ना। सही ओके फातिमा, योर आंसर इज करेक्ट, ठीक है, बट इसमें एक चीज है जिसको मेंशन करने की जरूरत एज सच नहीं है, विच इज द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम यहाँ पे मोशन से अभी इतना ज्यादा हमारा मसला नहीं है, द होल थिंग इज के टेम्परेचर डिफरेंस को हमने जो है वो शो करना है। टेम्परेचर डिफरेंस किसका? ऑयल का टेम्परेचर वर्सेस द सराउंडिंग टेम्परेचर। द सराउंडिंग टेम्परेचर इज द फ्रीजर विच इज -18 एंड द ऑयल टेम्परेचर इज
इनिशियली 20 से 10 के बीच में है और पिंक वाली लाइन के अंदर वो 0 से माइनस 10 के बीच में है. सो इनिशियली हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, इनिशियली क्या हुआ, टेम्परेचर ऑफ ऑयल एंड टेम्परेचर ऑफ फ्रीजर आर फार अपार्ट, यह ज्यादा डिफरेंट है. ठीक है, सो एनर्जी लॉस्ट, एनर्जी कौन लॉस कर रहा है, ऑयल लूज कर रहा है. सही है, एनर्जी लॉस्ट बाय ऑयल इज फास्टर. फाइनली व्हेन टेम्परेचर ऑफ ऑयल इज मच क्लोजर टू फ्रीजर टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिफरेंस कम है, देन हीट लॉस इज स्लोअर. ठीक है, सो बस यही बात मेंशन करनी है, नॉट वी डोंट नीड टू मेंशन द मॉलिक्यूल्स राइट नाउ. ओके बेटा शायन देख लो, ठीक है आप भी. तो जब भी रेट ऑफ टेम्परेचर की, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर की या रेट ऑफ टेम्परेचर लॉस की, इंक्रीज या डिक्रीज की बात हो रही हो, तो आपने यही देखना है कि जिस चीज का टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो कितना डिफरेंट है. जितना वो करीब करीब होगा उतना स्लो टेम्परेचर चेंज होगा, जितना वो दूर दूर होगा उतना जल्दी टेम्परेचर चेंज होगा. चलो अगला पार्ट हम रीड करते हैं. एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑयल. अब मॉलिक्यूल्स का सवाल है, व्हाट हैपेंस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द ऑयल एंड व्हाट हैपेंस टू लेवल ऑफ द ऑयल इन द ग्लास एज टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम 20 टू 0. तो जब ऑयल का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो ऑयल के मॉलिक्यूल्स को क्या होगा, और मॉलिक्यूल्स को क्या होने के बाद ये भी बताना है कि ऑयल का लेवल जो है सिलेंडर में उसको क्या होगा, वो बढ़ेगा, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा. सो अब ये जरा इजी क्वेश्चन है, होपफुली इसको आप जल्दी जवाब दें. चलो शाबाश, क्विक, बस एक मिनट मैक्सिमम. ठीक है, एक मिनट में आप लिख सकते हो इसको, 2 से 3 लाइन है. वेट कर, सही है बिल्कुल. ठीक है भागना शायन, तुम पढ़ के बताओगे ये वाला पार्ट बी, मॉलिक्यूल्स को क्या होता है जब ऑयल जैसे जैसे ठंडा हो रहा है. सर वो एक तो उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और अट्रैक्शन होती है, तो वो बढ़ेंगी या कम होंगी फोर्सेस जब ऑयल ठंडा हो. उनकी बढ़ेंगी, मतलब ये कहेंगे हम मॉलिक्यूल्स जो है वो एनर्जी गेन कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं. चलो इस तरह से बात कर लेते हैं, मॉलिक्यूल्स एनर्जी लूज कर रहे हैं, ठंडा हो रहा है ऑयल, ऑयल ठंडा हो रहा है, 20 से 0 जा रहा है टेम्परेचर, ठंडा होने के बाद एनर्जी लूज करते हैं या गेन करते हैं. एनर्जी लूज होती है, लूज होती है. मॉलिक्यूल्स एनर्जी लूज करेंगे फिर करीब आएंगे या दूर जाएंगे. करीब आएंगे, करीब आएंगे. तो ऑयल का लेवल गिरेगा या ऊपर जाएगा सिलेंडर के अंदर. दोबारा से सोचो, मॉलिक्यूल्स बेटा करीब करीब आएंगे अगर, तो ऑयल का वॉल्यूम कम होना चाहिए या बढ़ना चाहिए. दोबारा से जरा सोचो, कम हो जाएगा सर, कम हो जाएगा. तो ऑयल का लेवल कम हो जाना चाहिए. तो ये तीन बातें हमने यहाँ पे करनी है. तो यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट अगर, चलो इसको प्रॉपर लिख लेते हैं. सो मॉलिक्यूल्स लूज काइनेटिक एनर्जी एंड मूव स्लोअर, spacing between them decreases, so level of oil
degrees. Determine the melting point of oil. ठीक है, ये आपने ग्राफ से देख के करना है डिटरमिन. ओके जी शायन बताओ कहाँ पे ऑयल मेल्ट हो रहा है, पता चल रहा है? कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं मेल्टिंग कहाँ पे हो रही है? मेल्टिंग तो नहीं हो रही, फ्रीजिंग हो रही है, लेकिन कहाँ पे हो रही है फ्रीजिंग? कैसे पता लगेगा ऑयल फ्रीज होना शुरू हो गया? सर जीरो. जीरो पे तो नहीं हो रहा फ्रीज. मेल्टिंग या फ्रीजिंग या बॉइलिंग या कंडेंसेशन होने की निशानी क्या होती है? सर उधर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. तो कहाँ पे हुआ है कांस्टेंट? ये लाइन कहाँ बनी हुई बेटा? इधर -10. जी शाबाश, पहले सोचा करो फिर बोला करो. शाबाश, दिमाग लगा के अप्लाई किया करो पूरी तरह कॉन्सेप्ट को. पता है आपको सारी चीजें, बस रिमाइंड करवानी पड़ती है बार बार. -10 degrees Celsius मेल्टिंग पॉइंट हो गया, लेकिन यहाँ पे मेल्टिंग तो नहीं हो रही फिलहाल, तो फ्रीजिंग ही हो रही है ना जी. तो फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट सेम ही होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का. इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हाई द टेम्परेचर डज नॉट चेंज बिटवीन दिस एंड दिस. सो मेल्ट, ये जो प्रोसेस हो रहा है यहां से यहां तक, वो कह रहे हैं भाई इस दौरान आप बता दें कि टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं हो रहा है यहां से यहां तक. व्हाई डज इट नॉट चेंज? क्योंकि ये बॉइलिंग पॉइंट है. ये अब फ्रीजिंग हो रही है, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग हो रही है ऑयल की. फ्रीजिंग के टर्म्स में अब बताओ कि क्यों एनर्जी जो है, क्या वजह है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा? सोचो पहले, लिखो, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे. पहले इसको अप्लाई करने की कोशिश करो नोट्स में से, बेचे खोल. बात है, मैंने नोट्स अपलोड कर दिए थे इसके क्लासरूम पे मैंने. क्या कह रही हो? पता नहीं. ओके ओके चलो ठीक है. आंसर ट्राई दिस आंसर एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. शाबाश. इसके बाद बस एक ही क्वेश्चन रह गया हमारे चैप्टर का, पर इस चैप्टर के हमारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे. फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. Padma, did you do it? सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे? The oil is turning into a सॉलिड, या हम ये बता सकते हैं फ्रीजिंग. सो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स बिकम स्ट्रॉन्गर. सो मॉलिक्यूल्स मूव क्लोजर and they lose which type of energy? अब ये बड़ा important है कि आप कौन सी type of energy यहाँ पे mention करोगे. फातिमा, कौन सी type of energy मुझे यहाँ पे लिखनी चाहिए? दो types की energy होती है ना molecules के पास. इस state change के दौरान कौन सी type of energy मैं mention करूँगा? All molecules have two types of energy, kinetic and potential. जब कोई state change हो रहा होता है तो कौन सी energy का change आ रहा होता है?
they lose पोटेंशियल एनर्जी. ये बात याद रखो, जब भी बॉइलिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कंडेंसेशन के बारे में इस तरह का सवाल आए कि टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हो रहा, या फ्रीजिंग के दौरान क्या हो रहा है, या मेल्टिंग के दौरान क्या हो रहा है, से दे लूज और गेन पोटेंशियल एनर्जी. इस केस में लूज है बिकॉज इट इज द मेल्ट, इट इज द कूलिंग प्रोसेस. यहाँ पे हम फ्रीज कर रहे हैं एंड लूज पोटेंशियल एनर्जी एज लेटेंट हीट टू द सराउंडिंग्स. अब सारा सारी बात को अनपैक करते हैं. मॉलिक्यूल्स, जब भी आपका कोई भी लिक्विड फ्रीज हो रहा होगा तो उसके अंदर फोर्सेस जो है वो बन रही होंगी, फॉर्म हो रही होंगी, स्ट्रॉन्ग हो रही होंगी. एंड व्हेन द फोर्सेस आर बीइंग स्ट्रॉन्ग द मॉलिक्यूल्स विल मूव क्लोजर एंड दैट इज व्हाई दे विल लूज पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी लूज करेंगे या तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो कि काइनेटिक एनर्जी लूज नहीं करेंगे. वो लिखना इतना जरूरी नहीं है जितना ये लिखना जरूरी है कि पोटेंशियल एनर्जी लूज करेंगे. एंड देन यू हैव टू मेंशन कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी लूज हुई है ये एज लेटेंट हीट लूज हुई है टू द सराउंडिंग्स. लेटेंट हीट का मतलब ये वही होता है हिडन या छुपी हुई, और इस दौरान टेम्परेचर में चेंज नहीं आता. ठीक है, सो ये लेटेंट हीट का वर्ड ना भी यूज करो इतना मसला नहीं है, बट कर लो तो टेक्निकली आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. पॉइंट ऑफ द पॉइंट द मेन आइडिया हियर इज कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है मॉलिक्यूल्स की जिसका टेम्परेचर से कोई रिलेशनशिप नहीं है. काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज नहीं हो रही जिसका टेम्परेचर से रिलेशनशिप है. काइनेटिक एनर्जी जब डिक्रीज होती है तभी टेम्परेचर डिक्रीज होता है. ओके चलो शाबाश, अब अगला पार्ट करेंगे. आप जल्दी जल्दी से देख लो आपको क्या डेटा प्रोवाइडेड है. 45 ग्राम ऑफ ऑयल है. एक मिनट, ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट हम नहीं करेंगे, ये वाला पार्ट हम नहीं करेंगे, पार्ट वन नहीं करेंगे. एक सेकंड होल्ड करो बेटा. ओके, सो पार्ट वन हमने इसका नहीं करना, और पार्ट टू में देख लूं जरा एक सेकंड ये क्या पूछ रहा है आपसे. द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम 3600 टू 10800 सेकंड्स. हाँ, तो ये वाला दोनों पार्ट्स अभी हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं, वो लेटेंट हीट से कैलकुलेशन रिलेटेड है. जब हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे. अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है पार्ट ई के बारे में. पार्ट ई के बारे में जरा दोबारा से गौर से पढ़ें. सो थोड़ा बहुत अब हमारा क्वेश्चन जो है वो उससे मिलता जुलता है जो हमने शुरू में पार्ट आंसर किया था. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द लास्ट थिंग प्रॉब्ली दैट वी विल डू टुडे अबाउट दिस चैप्टर. बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी तक शायद इतनी ज्यादा डिस्कस नहीं हुई डिटेल में बात. अब इसको हमने समझना है. ये जो रीजनिंग हम यहाँ पे करेंगे इस क्वेश्चन की, इसको रीड करो क्वेश्चन को. वो आपसे कह रहे हैं कि ग्राफ को देखो, ग्राफ इज स्टीपर बिफोर देन आफ्टर इन फिगर 9.1. शुरू में जब कूल हो रहा था ऑयल तो ज्यादा स्टीप था, और जब बाद में कूल हो रहा था तो लेस स्टीप था. ऑयल तो वही सेम है, बस अब सिर्फ यहां पे मसला ये है कि यहां पे वो ऑयल है किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में. यहां पे वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में. बट देयर इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस कि यहां पे जो उसकी कूलिंग हो रही है, जो रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज है वो बहुत स्लो है सॉलिड के दौरान. वो कह रहे हैं इस बात का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑयल इन लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म में क्या ताल्लुक है. सो यू हैव टू कंपेयर द सॉलिड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द ऑयल इन द लिक्विड फॉर्म एंड इन द सॉलिड फॉर्म. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिक्विड ऑयल की ज्यादा है या सॉलिड ऑयल की ज्यादा है. गॉट इट. इस बात को आपने जो है वो जवाब देने की कोशिश करनी है. अब बात को समझ लो. हमने ये देखा था, हमने शुरू में एक एग्जाम्पल देखी थी ये वाली. दो तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, एग्जैक्ट सेम मास, हर चीज सेम, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कंपेयर हो रहे हैं. दोनों का सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों का इनिशियल टेम्परेचर सेम था,
लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक की डिफरेंट थी दूसरे की भी डिफरेंट थी। टेम्परेचर एंड में ज्यादा किसका रीच हो रहा है, कॉपर का या गोल्ड का? विच वन रीच्ड अ हायर टेम्परेचर इन द एज वी हीटेड इट? गोल्ड। गोल्ड ने टेम्परेचर ज्यादा राइज किया, लेकिन दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कंपेयर करो, किसकी कम है और किसकी ज्यादा है? गोल्ड की कम है। गोल्ड की कम है, हमें ये बात समझ में आ गई। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, सो अगर दोनों ऑब्जेक्ट को सेम फेयर तरीके से हीट किया जाए, तो जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है उसका टेम्परेचर चेंज ज्यादा बिग होता है। अब सेम चीज हम यहाँ पे करेंगे फॉर द ऑयल इन लिक्विड फॉर्म एंड फॉर द ऑयल इन सॉलिड फॉर्म। ज्यादा टेम्परेचर चेंज कहाँ पे आ रहा है, लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में? कौन किसका टेम्परेचर ज्यादा चेंज हो रहा है, लिक्विड ऑयल का या सॉलिड ऑयल का? लिक्विड। लिक्विड का ज्यादा टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर कंपेयर करेंगे तो इससे क्या पता चलेगा बेटा कि सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है या लिक्विड की ज्यादा है? दोबारा से, सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, गुड, यही कंक्लूजन निकालनी है। क्योंकि एनर्जी तो दोनों को सेम रेट पे मिल रही है, सेम रेट पे एनर्जी मिल रही है या सेम रेट से एनर्जी निकाली जा रही है, इस केस में ली नहीं जा रही, एनर्जी ली जा रही है। सो जब एनर्जी आप सेम रेट से निकाल रहे हो तो फिर ये स्लोली क्यों ज्यादा कूल हो रहा है? एक रीजन तो ये भी है कि हाँ भाई ये फ्रीजर के टेम्परेचर के करीब पहुंच गया है, बट अनदर बिग रीजन इज दैट इन सॉलिड फॉर्म स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑयल इज ग्रेटर, देयरफॉर इट विल कूल मच स्लोअर, और जब उसको हीट भी करेंगे तो ये ज्यादा स्लोली हीट अप करेगा। तो यही बात हमने यहाँ मेंशन करनी है। सो सॉलिड ऑयल हैज अ ग्रेटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अब इस बात को आप ग्रेडियंट से रिलेट कर लें, आगे के लिए भी बात याद रखें। स्पेसिफिक ऑयल, सॉलिड ऑयल हैज अ ग्रेटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन लिक्विड ऑयल एज ग्रेडियंट is less steep in solid section, ठीक है, heat is being removed, या तो heat is being provided होगा अगर heat कर रहे होंगे substance को, जो अगर आप cool कर रहे होंगे तो आप बोलोगे heat is being removed at the same rate but temperature is changing slower in solid form, ये reason है उसका, got it? तो पहले part में हमने conclusion दी यहां तक, और फिर यहां से लेकर यहां तक हमने उसकी reasoning दी, all right? अब इसके बाद last question रह गया बेटा, लास्ट क्वेश्चन के बाद फिर हम इस हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो गो अहेड एंड राइट दिस डाउन इफ यू नीड टू, देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद क्वेश्चन नंबर 23 व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, हम इसके अंदर पार्ट टू नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पार्ट वन करेंगे। शाबाश, मुझे पार्ट वन सब करके दिखा दो, ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। सबसे जवाब चाहिए मुझे, स्क्रीन शेयरिंग रुक गई है गाइस, मैं दोबारा शेयर करता हूँ, एक मिनट दो।
चलो बच्चों गो अहेड एंड सॉल्व दिस एंड देन वी आर गोइंग टू एंड द क्लास आफ्टर दिस क्वेश्चन. शाबाश. सैफा बेटा हो गया, शायान हो गया, जवाब दो जल्दी से. शाबाश. यस सर, दो मिनट. जल्दी 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 जल्दी, बस टाइम शॉर्ट. एट के जी हमारा मास है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 है, टेम्परेचर चेंज 18 से 43 कितना होता है, 43 माइनस 18 कर देंगे तो 25 डिग्री का टेम्परेचर चेंज आया. राइट, तीनों चीजों को मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमारे पास आंसर आ गया 840000, 840000 यूनिट कभी नहीं भूलना, जूल्स. दैट्स द आंसर. शायान ये आया या कुछ और आया आंसर? अरे यही आया, चैट में लिख के भेजा करो. शाबाश जल्दी. ठीक है चलो डन हो गया, सही है. सो नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. तीन मोड्स के थ्रू थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में. इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह, और कल की अगली ही क्लास में इसको कंप्लीट भी कर देंगे और फिर उसके पासवर्ड्स करके वेव्स वाले सेक्शन पे चले जाएंगे. ठीक है बेटा, चलो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ सर.